आप सभी को नमस्कार। फिर से आपका मैग्नेट माइंड क्लासेज में स्वागत है और हम लोग साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं साइंस स्पेशल डे 7। आज हम लोग देखेंगे डे 7 के टॉप 5 क्वेश्चन और अन्य जो ऑप्शन दिए हैं उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन है एक, आपको बताना है कि कार्बन क्या है, एक धातु है, एक यौगिक है, मिश्रण है या फिर अधातु है। तो इस क्वेश्चन के पहले एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रायः पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ये है कि हीरा किसका अपर रूप होता है। तो आपको बताना है कि हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि पूछ दिया जाएगा कि हीरा किसका अपर रूप होता है, तो हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। पर क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कार्बन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है कि कार्बन एक अधातु है। क्या बताना है, कार्बन एक अधातु है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है N3PO4 का होल ट्वाइस, क्या लिखा हुआ है N3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें हमें बताना है कि इसकी जो इसमें जो M दिया हुआ है इस M की संयोजकता क्या होगी। ऑप्शन है वो एक हो सकती है, वो दो हो सकती है, वो तीन हो सकती है या फिर वो चार हो सकती है। तो जब भी आपको किसी यौगिक में अगर संयोजकता निकालनी है तो उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखिए जो पहला यौगिक लिखा होता है उसकी संयोजकता वो नहीं होती है जो उसके जस्ट बगल में लिखी होती है। जो दूसरा यौगिक होता है उसकी संयोजकता पहले वाली की संयोजकता होती है और जो दूसरा वाला होता है उसकी संयोजकता वो होगी जो पहले लिखी हुई है। जैसे कि यहां पे जो लिखा हुआ है N3PO4 का होल ट्वाइस, तो आप लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, N के सामने 3 लिख लेंगे, PO4 के सामने N के सामने क्या लिखना है आपको 2 लिखना है और PO4 के सामने क्या लिखना है 3 लिखना है। तो अब इस तरह से आप लोग देखेंगे कि इसमें जो हमने क्या बताया आपको कि N की संयोजकता जो बाद वाला यौगिक है वो वाली होगी और जो PO4 वाला है उसमें उसकी कौन सी होगी जो सबसे पहले धातु की लिखी हुई है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो N की संयोजकता होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो याद रखेंगे आप जब भी किसी तत्व की संयोजकता पूछे तो उसपे हमें क्या बताना है कि जिसपे लिखी हुई है वो आप छोड़ दीजिए, जो दूसरा वाला यौगिक होगा उसके साथ जितना भी लिखा हो वो उसकी संयोजकता होगी। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि N3PO4 का जो होल ट्वाइस दिया हुआ है उसपे जो N की संयोजकता है वो क्या होगी, 2 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें पूछा गया है कि खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र हमें बताना है। क्या बताना है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। अन्य ऑप्शन की हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो NO2CO3 होता है, NO2CO3 इसे हम लोग धावन सोडा कहते हैं। क्या याद रखेंगे, NO2CO3 धावन सोडा होता है। अगर बात करें K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O, तो ये किसका सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है फिटकरी का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, खाने का सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा खाने का सोडा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि हवा है एक, अब हमें हवा के विषय में बताना है कि हवा क्या है। ऑप्शन ये तत्व है, यौगिक है या फिर
मिश्रण है। तो इसके विषय में जान लीजिए आप लोग कि हवा जो है, हवा क्या होता है, हवा एक मिश्रण होती है। हवा क्या होती है, मिश्रण होती है। आज की प्रेस रिलीज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण पर आवेश कैसा होता है, ई होता है, टू ई होता है, थ्री ई होता है या फिर फोर ई होता है। तो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। क्या याद रखना है कि अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है और इसमें जो आवेश होता है, इसमें जो आवेश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो 2e आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, 2e आवेश होता है। तो ये थे आज के साइंस स्पेशल डे 7 के टॉप 5 क्वेश्चन। आप लोग चैनल को इसी तरह से सहयोग करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।